कैसा प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद है, सूबाई वजीर सेहत हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुसलसल आपकी मीटिंग चल रही है, लोग ये जानना चाहते हैं कि सेहत किस तरह बेहतर होगी। देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो हम सेहत को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। सबसे पहले तो है प्रिवेंटिव, हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि हम ये हमेशा, ये आज का मेरा मकूलना नहीं है, ये हमेशा का है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले तो हमें इन चीज़ों, हफाजती तदाबीरों का काम करना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा। जी नहीं, बताना पड़ेगा कि दवाई बीमारियाँ किस तरह रोकी जा सकती। अब देखें उस पर आते साल जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, आपके सामने है कि उसको हमने बड़े रोबस्ट तरीके से शुरू किया। उसके अलावा रोबो कॉल्स जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल की जाती थी, वो PITB के थ्रू हमने बाकायदा लोगों को रोबो कॉल्स करनी शुरू की कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को आप पोलियो की वैक्सीनेशन दिलवाएं, और अगर आपके हमसाए में कोई और लोग रहते हैं और कोई कार्य खैर का काम आप करना चाहते हैं तो लोगों में ये शऊर पैदा करें कि जी मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन दें। ठीक है। हमने डेंगी, आपको पता है एक वबा फैलनी शुरू हो जाती है जब मौसम ज़रा बदल जाए, उसके ऊपर भी एक मुसलसल इस वक्त भी हमने मुहिम चला रखी है लोगों को हिफाजती तदाबीरें बताने के लिए कि आपने पूरे बाजू के कपड़े पहनाने, बच्चों को आप मच्छरदानी लगाइए, पानी आप कहीं ना, और ये सिर्फ उसमें नहीं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं, रोबो कॉल्स दी जा रही हैं, हम सोशल मीडिया बहुत हद तक इस्तेमाल करें। तीसरी अहम चीज़ ये मीजल्स, आपको बता मौसम ज़रा बदलेगा तो मीजल्स की बाबा, अब मीजल्स का वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है आज सुबह ही मेरी मीटिंग हुई है और हम इंशाल्लाह इसके अंदर सिर्फ हम नहीं शामिल, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सारी शामिल होगी। अब चीफ सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, द फर्स्ट मीटिंग दैट वी आर गोइंग टू कॉल इसके जी हम जो ये पोलियो इम्यूनाइजेशन और ये जो ये वैक्सीनेशन है मीजल्स की, इसको किस तरह और रोबस्ट कर सकते हैं और इसमें हम सबको इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका क्योंकि खुद भी ताल्लुक लाहौर से है तो मैं अभी अतराफ में नहीं जाता, लाहौर की अगर बात करूँ तो BHUs हॉस्पिटल बनाए गए हुकूमत की जानिब से जिनको 5.5 लाख रुपया बजट मंथली जाता है। लाहौर में 37 हॉस्पिटल्स हैं, कोई शक उसमें से 32 काम ही नहीं कर रहे। देखिए मैं अब इसी पे काम बताए, अब मैं आपको बताऊं, कुछ अस्पतालों को अटैच कर दिया गया, जैसे फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज और गंगाराम हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, मुजंग अस्पताल 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। इसी तरीके से आपका जो शादरा का अस्पताल है वो उनके साथ अटैच्ड। अब हमने क्या किया है, अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है मेरे, उसमें आप आमिर जमान साहब से पूछ लीजिएगा, रिवैम्प हो रहा है वो मुजंग अस्पताल, और वहाँ एक मटर्निटी यूनिट जो है, यानी हमारे पास 4 मटर्निटी यूनिट्स हैं, वो 3-3 महीने की वहाँ ड्यूटी करके उसको हम वो कहते हैं 24/7 उसको चला दें। बिल्कुल ठीक, यानी वो चल पड़ेगा एज उसमें 24 बेड्स हैं और वो गायनी यूनिट। मैं आपको ये बता, बिना माजद की टीम गई और मैं चाहूंगा कि हम अगर हम आपको वो भी दिखाएं प्रोग्राम्स जो हमने आपके मुख्तलिफ BHUs के दौरे किए हैं, ये आपके डॉक्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं। ये शादरा के इलाके का ये गवर्नमेंट से पूछे, मेरे से क्यों पूछे? आप इंचार्ज हैं? मैं इंचार्ज हूँ, मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी है ठीक है, आप गवर्नमेंट को बताते नहीं है? जी मेरा काम है बताना, मैंने की है कंप्लेन, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, 1 दफ़ा भेजी है, 2 दफ़ा भेजी है, 3 दफ़ा भेजी है, मेरा काम है सिर्फ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की कोई कॉपी है आपके पास? जी मेरे पास है। आप काइंडली अगर जी आपको दे देंगे। दूसरा ये यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती सर, दवाइयाँ है नहीं है, दवाइयाँ दफ्तर से मिलेंगी तो हम देंगे ना। सभी डिस्पेंसरी चल क्यों रही है, मेरा तो सवाल ही है। मैं यही कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट से पूछे, हमारी तो ड्यूटी है, हम तो बैठे हुए हैं। यहाँ के मकामी जो जूसी चेयरमैन है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ से आवाम से वोट लेके मुंतखब हुए और चेयरमैन मुंतखब हो गए, लोगों को इलाज तो करवाए लोगों का, दवाइयाँ तो लेके भेजा हुआ है, अब वीडियो नहीं भेजता तो हम क्या करें। CEO साहब से भी पेश हुए हैं, जाके खुद ज़ाती तौर पर भी मिले हैं। 2 साल से आपकी इस इलाके की डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिल रही सर। मैंने आप CEO साहब से पूछे जाके, DDO साहब आपकी थी, हुकूमत हमारी थी, DDO बहुत असर और सूख वाला है, वो नहीं भेजता। DDO सरफराज, DDO सरफराज साहब आप समझ रहे हैं कि यहाँ के MLA से, यहाँ के MPA से, पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, लोकल गवर्नमेंट से ज्यादा असर और सूख वाला है, ज्यादा होगा नहीं भेजता। तो सर फिर आप इस्तीफा दे दें। किस वजह से? क्योंकि आपके अवाम को इलाज नहीं मिल रहा। आप ले दें, आप आए हैं ना, आप ले दें, आपका काम है।
तो भट्ट साहब इस डिस्पेंसरी का मुझे कोई हल बता दें, डिस्पेंसरी का आप सीईओ ने हल किया है? आप सीईओ साहब से मिले जाके, उससे उनको लेके विजिट करवाएं, उन्होंने मेरे साथ दो दफा वादा किया विजिट करूंगा, लेकिन नहीं गए, वो नहीं आए। कितना अर्सा हो गया डॉक्टर साहब दवाई आए हुए? 3 माह से हमारे पास बिल्कुल नहीं है, जब हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है, पेशेंट आता है यहाँ मेडिसिन लेने के लिए, अगर हम किसी को कहते हैं सर यहाँ के लोग तो कह रहे हैं 2 साल हो गए सर निजाम नहीं सही चल रहा। 2 साल तो नहीं हो गए वैसे तो, डिस्पेंसरी 2011 से बनी है, डिस्पेंसरी तो बनी है, लोग कह रहे हैं दो साल से तो बिल्कुल ही बुरा। मैं 2017 से यहाँ आया हूँ, फरवरी 2017 में। फर्नीचर नहीं था, हमारी हुकूमत आएगी, MP MNA आएंगे तो उनके साथ लेके जाएंगे उनको। आपके यहाँ पे लोकल MNA 10 साल रहे हैं? MNA के लिए मैं MPA के बात कर। अच्छा, आप MNA से आपकी बनती नहीं, आपका जाती इख्तलाफ है, इसलिए आप काम नहीं करवा सकते लोगों का? नहीं, मैं करवाते हैं कि उन्हें, खाली MNA ने तो काम नहीं करना। पिछली मतलब आपके यहाँ से MPA मुंतखब नहीं हुए थे? कौन? मुस्लिम लीग नवाज से या MPA साहब को साथ लेके गया था मिशन साहब के पास, उन्होंने बोला CEO साहब को, CEO साहब ने फिर इनको भी फ़ोन किया, मुझे भी उसके बाद मेडिसिन भेजी गया उन्होंने, उसके बाद पता नहीं आई नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। नाज़रीन, यकीनी तौर पे अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे दरख्वास्तें भी दी जा रही हैं, तमाम लोगों के इल्म में भी है कि डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं कि वजह क्या है, क्यों ये डिस्पेंसरी में अद्वियात नहीं पहुँचाई जा रही, क्यों यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं हो रहा, क्यों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। और जितने सियासी नारे, सियासी वादे, सियासी दावे सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही हमेशा लगाए जाते हैं और लगाए जाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शंस के बाद की है, आपकी हुकूमत में आने का वक्त है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने DO को जो आपके कंपनी बनाई गई PFHC समथिंग जो कंपनी बनाई है, मैंने नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, उनके अच्छा किया ना आपने ये सवाल पूछ, वो कह रहे हैं तमाम लोगों को बताया गया, इट्स वेरी गुड दैट यू आस्क्ड मी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछली दफा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की मेडिसिन की, जी हाँ, सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रेट नहीं किया, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट भी की, विच इज़ अगेंस्ट द पेपरा रूल्स। इन्होंने प्रोक्योरमेंट करके और यहाँ बड़े बड़े 4 गोदामों में दवाइयाँ डाल दी। बिल्कुल ठीक, पता है आपको इस बात का? नहीं। करोड़ों का कराया था ये दवाइयाँ यहाँ पड़ी, जिस दिन मैं आई हूँ और मुझे पता चला कि ये दवाइयाँ जो हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों नहीं गई भाई डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जब ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाती हैं तो फिर ये नीचे शिफ्ट होती हैं। इनसे मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं गई, तो पता चला कि जी यहाँ ये गोदामों के अंदर पड़ी हुई हैं और ये जी अभी ट्रांसफ़र होनी है। तो पहला कदम जो मैंने उठाया वो ये किया कि मेहरबानी करके ये ट्रांसफर कर, ये अरबों की दवाई जो थी यहाँ पड़ी हुई थी और गोदामों को किराए पे लिया हुआ था हमने, जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर हम उनकी प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे करते तो वो डायरेक्टली वहाँ वो सप्लाई और जहाँ जिनका इस्तेमाल भी होना था। अब सप्लाई जो है, जब सप्लाई जाती है तो फिर देन इट ट्रिकल्स डाउन कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, फिर तहसील हेडक्वार्टर, फिर RHC। अभी बाहर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ना, जहाँ आप अभी अंदर आए, वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले बैठे हुए, जिनका सिर्फ इस वक्त मैं हर चीज़ चेक कर रही हूँ कि जी मेडिसिन किस लेवल तक अब तक पहुँच गई हैं। यानी 12 सितंबर को मैं जिस दिन आई हूँ, तो इन्होंने कहा जी ये तो महीने दो महीने लग जाएंगे, तो मैंने I gave them a deadline, I said अगर ये 12 सितंबर तक ये गोदाम खाली ना हुए तो आई विल टेक यू टू अ टास्क। 12 सितंबर को हमने ऑर्डर दे दिया गोदाम बंद करने की, दवाइयाँ सारी शिफ्ट की। यानी ये ज्यादती जो है, अब ये पिछली, अब मैं आपको अपनी बात, आम आदमी का सवाल है पूछ रही हूं, आम आदमी की तवक्कोआत बहुत ज्यादा होती है, यही बताने लगी कि देखिए 1.25 महीना अर्सा हुआ, इस 1.25 महीने के अंदर, अब पहले तो आपको बताना, आप दवाइयों की बात जिक्र की, दवाइयों की प्रोक्योरमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया, खरीद के यहाँ गोदामों में रखी थी, ये आप किसी से पूछ लीजिए, आप हमें आपको TCS और ये सारा कुछ दिखा देंगे। उसके बाद अगली बात देखी इन्होंने, जो इंटरिम गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब थे उनका काम था कि उन्होंने ये कमिटमेंट करके आए थे कि हम अपनी मेडिसिन जो है मतलब उन्होंने की नहीं, मैंने मीटिंग्स करके अब हमने 4 बिलियन जो है वो कह दिया है कि जी अपने लोकल लेवल पे सारे डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी मेडिसिन जो है परचेज कर ली। हमारे पास इस वक्त जो हमने सारा जो हमारा वो किया है इन्वेंट्रीज बनाई हैं, हमारे पास इंशाल्लाह
दिसंबर के आखिर तक सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं फॉर ऑल लेवल्स, और वो डिस्पैच हो जाएंगी तमाम जगहों पे। बिल्कुल हो रही है, आपको पता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये हॉस्पिटल सरकार ने बताया जी, इस पे सरकार के पैसे लगे, बिल्कुल, और सरकारी अफसर के बारे में कहा जा रहा है, जो डीओज है उनको लिखा जा रही है, आपने जो आपके मुखालफिन है यानी मुस्लिम नवाज के जो नुमाइंदे हैं उनके भी इंटरव्यूज है उसमें, वो भी कह रहे हैं कि हमें डीओ साहब नहीं भिजवा रहे दवाइयाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उनको लिखवा रहे नहीं भिजवा रहे। आपको मैंने बता दिया वजह जी, हां, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड। अब सवाल ये कि इनके खिलाफ एक्शन तो आप लेंगी? तो मैं ही ले रही हूँ, और कौन लेगा? आप मुझे बताइए किस किस के खिलाफ एक्शन लूँ, जब आवे का हवाई बिगड़ा हुआ हो तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड, कि जी 12 तारीख को सब डिस्पैच हुई, इट टेक्स टाइम टू रीच अ डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वेंट्रीज बनती हैं, फिर इन्वेंट्रीज के मुताबिक नीचे जाते हैं। अगर इतना जल्दी तो आज तक कभी काम नहीं हुआ जितना जल्दी मैं पुश इन कर रही हूँ, नंबर वन। नंबर टू, देखें आज मेरी, आपके आने से पहले यहाँ जो डीजी साहब बैठे हुए थे, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने कहा जी तहसील हेडक्वार्टर लेवल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सारी मेडिसिन पहुँच गई, RHCs और BHUs के पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ये बात है, ये जो निगलेक्ट आप देख रही हैं ये आज की निगलेक्ट नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये आज की निगलेक्ट नहीं है, ये तो पुरानी निगलेक्ट है। ये आप जगह अब 6 महीने के बाद देखिएगा और फिर मुझे बताइए। नाजिन, नैन सुख के इलाके में पहुंचे हैं और यहाँ पे भी हम डिस्पेंसरीज देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जिस तालाब से हम गुजर के आए हैं, जिस दरिया से हम गुजर के आए हैं, ये सड़क है और ये पानी है जो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से गटरों का पानी यहाँ पे बाहर आया हुआ है। यहाँ पे इतनी गंदी बदबू है कि यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा होना इतना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे लोग बस रहे हैं, लोग रह रहे हैं और यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर हुकूमतें रहीं, दोबारा इलेक्शंस हुए, पता नहीं किस तरह लोगों ने यहाँ पर वोट दिया होगा, किस दावे, किस वादे पर उन्होंने इंतजार करते हुए अपने नुमाइंदे मुंतखब किए होंगे, क्योंकि कोई नुमाइंदा यहाँ पर ये काम नहीं कर सका, यहाँ पर जितने हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम का मकसद सेहत है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें सेहत से जुड़ी हुई हैं। जो शख्स इस तालाब से गुजर के, इस गंदे पानी से, इस गटर के पानी से गुजर के डिस्पेंसरी में जाता होगा, उसको वापसी पे भी दोबारा डिस्पेंसरी में ही जाने की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी शख्स बगैर बीमार हुए तो नहीं गुजर सकता, और यहाँ से 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा होना बहुत मुश्किल है। डिस्पेंसरी चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वक्त सिचुएशन क्या है। गवर्नमेंट होमियो डिस्पेंसरी, नैन सुख, रावी जोन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, लाहौर। ये डिस्पेंसरी बनाई गई है सरकारी खजाने से और इस पर ताला लगा हुआ है, और इस पर ये नहीं कि हम जिस वक्त आए इस वक्त ताला लगा हुआ है, इस पर हर वक्त ताला लगा रहता है, 24 घंटे इस डिस्पेंसरी पर ताला लगा रहता है। ये डिस्पेंसरी शायद सिर्फ बोर्ड लगाने के लिए बनाई गई थी और सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाई गई थी कि यहाँ पर भी कोई डिस्पेंसरी कायम की गई, लेकिन इसका बिल्कुल कोई मकसद नहीं था कि यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाए। शायद कागज़ों में डिस्पेंसरी ज़रूर चल रही हो, इसको फंड आ रहा हो, लेकिन वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्पेंसरी कायम की गई है वो बंद है, यहाँ पे किसी को इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया है वो भी खाली है, ट्यूबवेल भी, मुझे बताया गया कि यहाँ ट्यूबवेल भी बनाया गया है वो भी खाली है। तो यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ों की हद तक बनाए गए। अब ये डिस्पेंसरी की आप हालत ज़्यादा देखें, बोर्ड कितना शानदार यहाँ पर लगाया गया है, श्री डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की जाने से कितना खूबसूरत बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है, नया बोर्ड लगाया गया है, और ये कहा गया है कि यहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई गई है, लेकिन वो डिस्पेंसरी भाई कहाँ बनाई है ये तो किसी ने बताया नहीं है। यहाँ के लोगों से मैं चाहूँगा, इलाका मकीनों से बात करूँ, ये डिस्पेंसरी चाहता कदों की बनी? ये होगा ना 5-6 साल बनी, कौन नहीं चलती चुलदी, नवा बोर्ड लाया ने, पैसे सारे खा गए, मलक रिहा सारा साढ़े इलाके का पैसा जोड़ा, ये फिल्टर बना ये कब से 5 साल से बना है, लेकिन ये बंद पड़ा है 5 साल से। ये डिस्पेंसरी भी 5 साल से बनी है, 5 साल से बनी हुई है, कभी इसको खुले हुए देखा नहीं, कभी भी। कौन आता है यहाँ? ये डॉक्टर है, वो रिटायरमेंट का रहने वाला। पानी का बड़ा मसला है, पानी की वजह से, बदबू की वजह से यहाँ पे नहीं आते, बैठने का इंतजाम नहीं है, अंदर हवादार कोई चीज ऐसी नहीं, पीछे वाली साइड से सारी बदबू आती है पीछे से, वो खुद तंग है, तो यहाँ पे आके मरीजों का क्या इलाज करें, मरीजों का क्या इलाज करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप कह रहे थे पानी अंदर चला जाता है। हाँ जी, जब बारिश होती है तो ये देख लें पानी कहाँ तक आया हुआ है और पानी इसके अंदर चला जाता है, डॉक्टर कैसे आएंगे? जैसे बाहर से उन्होंने आना होता है, उनकी गाड़ी या बाइक अंदर एंटर नहीं होगी तो वो किस तरह यहाँ आ पाएंगे?
और आपके यहाँ अवामी नुमाइंदे नहीं आते? आते हैं लेकिन वो वक्ती तौर पे दिलासा दे के चले जाते हैं। अगर 5 साल हो गए, 5 साल से यहाँ काम नहीं हो रहा तो आप लोगों को तो हो गए 10 साल हो गए, काम नहीं हो रहा 10 साल, 10 साल हुकूमत की थी मर गए आज साढ़े लागे का 10 साल हो गए इन्हें हुकूमत की थी, कोई पैसा नहीं इन्हें लाया। आपके लोकल चेयरमैन यहाँ से पीटीआई का है? जी पीटीआई का यहाँ से खड़ा था, मेयर वाजे यहाँ से खड़ा था। नहीं तो जो लोकल चेयरमैन है, लोकल चेयरमैन वो नून लीग का, नून लीग यहाँ से लोकल चेयरमैन भी नून लीग का, नून लीग का नाल ही उनका घर है। चेयरमैन यहाँ से है, जो चेयरमैन है वो बेगमकोट से है। और वाइस चेयरमैन आसो सुनहरा साहब हैं लैंड शो के, और 5 साल में कोई काम नहीं किया, 10 साल से मैं रियासत से। अच्छा, हुकूमत ने अब बहुत बड़ा दावा किया कि हमने डेंगी से कंट्रोल किया, डेंगी को, डेंगी के खिलाफ हम जंगी बुनियादों पे काम कर रहे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने है, पानी खड़ा हुआ है, जिस जो सिचुएशन इस वक्त सामने, ये डिस्पेंसरी की बिल्कुल ये डिस्पेंसरी की दीवार है और डिस्पेंसरी की दीवार के साथ पानी खड़ा है, और जहाँ से हम अभी गुजर कर आए हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सूबाई वज़ीर सेहत रहे, 5 साल वो इस जगह से मुंतखब हुए रुकने सूबाई असम्बली, वज़ीर रहे, मुशीर रहे, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी तसव्वुर होते हैं मुस्लिम नवाज़ के, ये उनका इलाका है। इस मरतबा वो हल्का तो छोड़ गए लेकिन क्या 5 सालों में वो यहाँ कोई काम नहीं करवा के गए? उनको कोई ख्याल नहीं था कि इस ये डिस्पेंसरी जिसका बोर्ड पिछले 5 साल से लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ है, बार बार इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये नया लगाया गया है। ये बोर्ड अभी भी आवाम के पैसों से, आपके और मेरे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से नया बोर्ड बना के लगाया, लेकिन भाई उन्होंने हमारे पैसों से डिस्पेंसरी भी चलानी थी जिसको ताला लगा हुआ है, और ये डिस्पेंसरी पर लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए थी लेकिन डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं मिल रही, डिस्पेंसरी के बाहर लोगों को बीमारियाँ ज़रूर मिल रही हैं। ये हो रहा है इस वक्त लाहौर में, और इसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, इसके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, कौन इसका हल निकालेगा? महकमा जवाब देने को तैयार नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है, बाकी जो हुकूमतें थीं वो अब चली गई, वो कहती है हम माजी का हिस्सा होगा, लेकिन माजी में जो दावे नारे वादे करते लगाते रहे वो उसका जवाब कौन देगा? ये सिचुएशन आपके सामने, यहाँ से एक मासूम बच्चे ये भी छोटे बच्चे, मैं चाहूँगा कैमरा मैन दिखाइए, स्कूल से आ रहे हैं।